हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास दोस्तों आई है पियाजियो BS6। गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। तो चलिए अब हम इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। आप लॉन्च के स्कैनर से EOBD में जाके स्कैन कर सकते हो। यहाँ हम जाएंगे जेनरिक पे। अब देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। ये आप देख सकते हो इंजन स्पीड सेंसर का फॉल्ट कोड है और ये EGR का फॉल्ट कोड इसमें आ रहा है। तो इंजन स्पीड सेंसर का जो फॉल्ट कोड है वो करंट में आ रहा है। बाकी हम देखते हैं इसमें लाइव डाटा पे किसका रेल प्रेशर या फिर इंजन का RPM जो वो कितना बन रहा है। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे रेल प्रेशर, इंजन का RPM, EGR का भी एरर जो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बाकी इसको हम ओके करके देखते हैं कि हमारा रेल प्रेशर बन रहा है गाड़ी में या फिर नहीं बन रहा, और इंजन का RPM वो बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट सेंसर का कोड जो है वो इसमें आ रहा था। तो रेल प्रेशर यहाँ आप देख सकते हो ये KPA में सेलेक्ट है और ऊपर इंजन का RPM भी आपको जीरो दिख रहा। तो अब हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं दोबारा फॉल्ट कोड क्या आ रहा है और हमारा रेल प्रेशर बन रहा है या नहीं बन रहा। जैसे कि आप देख सकते हो इंजन का RPM जो है वो हमारा बता रहा है, लेकिन गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो गाड़ी में रेल प्रेशर जो है वो नहीं बन रहा। यहाँ आप देख सकते हो KPA में रेल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बन रहा। इसको अगर आप बार में कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी कम बन रहा है। मैं आपको आगे इस वीडियो में इसको बार में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो अब हम आएंगे बैक और देखते हैं कि गाड़ी में दोबारा फॉल्ट कोड कोई जनरेट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हो फॉल्ट कोड जो है ये इसमें जो पहले आ रहे थे वही सेम इसमें फॉल्ट कोड आ रहे हैं। तो एक बार हम इस फॉल्ट कोड को क्लियर करते हैं। ये हमारा फॉल्ट कोड आप देख सकते हो ये क्लियर हो गया। दोबारा हम इसको स्कैन करते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं स्टार्ट हो रहा या फिर नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हो इंजन स्पीड सेंसर का जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो तो हमारा चला गया, लेकिन EGR का फॉल्ट कोड जो है वो इसमें दिखा रहा है। लेकिन इससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। तो अब हम देखते हैं गाड़ी में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, किस वजह से गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। अब आते हैं हम गाड़ी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सेल्फ मार के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो सेल्फ मारने से भी फॉल्ट कोड कोई जनरेट नहीं हो रहा, यही आ रहा। तो गाड़ी में प्रॉब्लम जो है वो हमें एक्चुअली में ये मिली, ये आप देख सकते हो। जैसे हम चाबी ऑन कर रहे हैं पंप में से फ्यूल जो है वो आ जा रहा है। ऐसे फ्यूल जो है वो नहीं आना चाहिए। तो इसके पंप में जो है वो कुछ डस्ट चला गया, जिस वजह से पंप हमारा डायरेक्ट हो गया, यानी कि मोटर से डायरेक्ट फ्यूल जो है वो पंप पर आ जा रहा है। इस कंडीशन में आपका पंप जो है वो प्रेशर नहीं बनाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो पंप को जो है हमने खोल लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसको हमने क्लीन वगैरह भी कर लिया। अब इसको हम करते हैं फिट और फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी पे उसको स्टार्ट करके। तो ये आप देख सकते हो पंप हमारा अब लग रहा है। अगर पियाजियो हो या फिर बजाज हो उससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको देखनी है इससे पंप से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। आपको ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो ये हमने पंप को जो है वो फिट कर दिया है। अब हम जो है आपको चाबी को ऑन करके दिखाते हैं कि इसमें से फ्यूल जो पहले आ रहा था अब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो चाबी ऑन करते ही हमारा फ्यूल जो है वो इसमें से नहीं आ रहा है, यानी कि पंप जो है उसमें से डस्ट जो है वो चला गया। अब पंप भी हमारा डायरेक्ट अब नहीं है। तो पाइप को हम लगा देते हैं और अब इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम मारेंगे सेल्फ और आपको दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हो धुआं भी आ रहा है उस साइड से और गाड़ी ये आप देखो अब हमारी स्टार्ट हो गई है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो इसके पंप में थी। इसका क्रैंकशाफ्ट सेंसर जो है वो बिल्कुल ठीक था, किसी ने खोला था जिस वजह से कोड आ गया था। बाकी इसके पंप में प्रॉब्लम थी, रेल प्रेशर हमारा नहीं बन रहा था। तो कई बार आपको लाइव डाटा में जाके देखना पड़ेगा कि आपका रेल प्रेशर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। कई बार गाड़ी जो है वो फॉल्ट कोड जनरेट करके आपको नहीं देगी। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी स्टार्ट भी हो रही है और रेस वगैरह भी प्रॉपर हो रही है। अब हम आते हैं स्कैनर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि जैसे हमने देखा था पहले KPA में इसका रेल प्रेशर नहीं बन रहा था, वो मैं आपको बार में भी दिखाता हूँ कि रेल प्रेशर हमारा कितना बन रहा है और KPA में भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो गाड़ी हमारी प्रॉपर अब ओके हो गई है। तो ये रहा हमारा स्कैनर। इसके EGR में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस कारण ये आप देख सकते हो EGR एरर जो है वो रेड में दिखा रहा है। उससे जो है गाड़ी में अभी फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व कर दिया। ये आप देख सकते हो
बार और केपीएम है। केपीएम में रेल प्रेशर इतना दिखाएगा, और इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर आपको इंग्लिश पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ इस जगह ऊपर आप सेलेक्ट करते ही यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो रेल प्रेशर है वो बार में कन्वर्ट हो गया। तो पहले केपीएम में जो है रेल प्रेशर हमारा काफ़ी कम बन रहा था, जिस कारण गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये आप बार में भी देख सकते हो, उसको बार में भी रेस करते हुए ये आप देख सकते हो 700 टू 800 बार के आसपास जा रहा है इसका रेल प्रेशर। तो गाड़ी जो है वो अब हमारी प्रॉपर ओके हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वो रेड वाले बटन को दबाकर। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।